गाइस किसी भी चीज को लेते समय या फिर कोई भी काम करते समय आप एक बात तो हमेशा सोचते होंगे कि कहीं आपके साथ कोई फ्रॉड यानी कि धोखा ना हो। 51 सर्वेस के बाद ये बात सामने आई है कि 5 तरह के फ्रॉड दुनिया में सबसे ज्यादा होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं के बारे में बताने वाला हूँ। 11 नंबर 1 पर आता है रिफर्बिशिंग यूज टायर्स। गाइस 33 बड़े सर्वेस के बाद ये बात सामने आई है कि टायर्स के बारे में बहुत सारे फ्रॉड सामने आए हैं। असल में यार कुछ सर्विस स्टेशन ज्यादा पैसे पाने के लिए धोखे से खराब टायर ही बेच देते हैं, लेकिन ब्रो यहाँ पर आपका नुकसान केवल पैसे का नहीं बल्कि आपकी लाइफ का है। जितने भी एक्सीडेंट एशिया में हुए हैं पिछले 3 सालों में, उनमें से 33% एक्सीडेंट उन गाड़ियों और उन बाइक्स के हुए हैं जहाँ पर पुराने टायर लगाए गए थे। यार अगर आपको भी कोई पुराना टायर लगवाना हो तो आपको वहाँ पर सबसे पहले स्पेशलिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। यार अब आप सब कहोगे कि भाई ये कैसी बात है, सिर्फ टायर ही तो लगवाना है, लेकिन ब्रो ये टायर ही आपकी जिंदगी का मेन हिस्सा है, क्योंकि इसी के चलते ही आपके बहुत बड़े एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। यार नंबर 2 पर आता है रैट पॉइजन एंड सीमेंट इन मेडिसिन। यार आजकल तो आपने बहुत बार इंटरनेट से ही मेडिकल की बहुत सारी दवाइयां और बहुत सारी चीजें ली होंगी, लेकिन ब्रो यहां पर इंटरनेट पर मौजूद 43% फार्मेसी पूरी तरह से फेक है। यहां पर मनी के साथ साथ सबसे बड़ा रिस्क आपकी लाइफ का है, क्योंकि यार ये बात तो आप ही जानती हैं कि फेक ड्रग्स आपके लिए कितनी ज्यादा हार्मफुल है, और यहाँ पर आपको अपनी हेल्थ के लिए इतना बड़ा रिस्क तो यार कभी नहीं लेना चाहिए। जब इसी पर 11 सर्विस किए गए तो पता चला कि इंटरनेट पर ऐसी बहुत सारी फेक फार्मेसी मौजूद है जो कि पॉइजन और सीमेंट मिलाकर दवाइयां बनाती है, और ये आपकी सेहत के लिए यार बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। गाइस नंबर 3 पर आता है मेडिकल सर्विसेज। यार इस लिस्ट में ना ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसके चलते न जाने कितने लोगों की आज तक जान जा चुकी है। आपने पहले भी बहुत सारी ऐसी स्टोरीज देखी होंगी कि कुछ फेक डॉक्टर्स प्राइवेट जगह पर सर्जरी करते हैं जो आपके लिए बेहद ही खतरनाक है, और यहाँ पर आपकी मौत होने के भी पूरे चांसेस हैं। ओरिजिनल डॉक्टर भले ही आपसे थोड़ा ज्यादा पैसा ले, मगर वहाँ पर फुल गारंटी होती है कि आपकी रिकवरी हो जाएगी। और यार वैसे भी एक ओरिजिनल डॉक्टर को बहुत ही ज्यादा लंबे समय का टाइम लगता है इन सब चीजों को सीखने में, जिससे आपकी हेल्थ पूरी तरह से ठीक रहेगी। तो आपको भी कहीं भी अपना इलाज कराते समय हर समय ये चेक करना चाहिए कि जो डॉक्टर से आप इलाज करवा रहे हो वो ओरिजिनल है या फिर फेक। यार नंबर 4 पर आता है एक्सपायर प्रोडक्ट्स। इसके बारे में तो आपको पता ही है कि कोई भी चीज जो ओवरडेट यानी कि एक्सपायर हो जाती है वो हमारे लिए बहुत ही बैड होती है, लेकिन यार ऐसा कई बार देखने में आया है कि चीजों पर झूठे लेबल लगाए जाते हैं और उनकी एक्सपायरी डेट को छुपाया जाता है। गाइस इसीलिए आपको हर चीज खरीदते समय ना ध्यान रखना चाहिए कि कहीं उस चीज की डेट रिप्लेस तो नहीं हुई है। यार नंबर 5 पर आता है प्रॉमिस ब्यूटी। यार ये पॉइंट ना खास तौर पर लेडीज के लिए है। आपने हर बार सुना होगा कि प्लास्टिक सर्जरी करने वाले आपको हमेशा कहते हैं कि आपको वो एकदम खूबसूरत बना देंगे और सर्जरी के बाद आप पर कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, मगर यार ये बात ना पूरी तरह से झूठ है। अमेरिका में हाल ही में हुई एक स्टडी में पता चला है कि जो लोग प्लास्टिक सर्जरी किसी फेक जगह से करवाते हैं उन्हें कैंसर होने की समस्या 45% तक बढ़ सकती है। अगर आपको भी प्लास्टिक सर्जरी करवानी है तो आपको पहले स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, जिसके बाद आपकी स्किन के हिसाब से ही आपके 3 बड़े टेस्ट किए जाएंगे, और उसी के बाद आपकी स्किन के हिसाब से बेस्ट सर्जरी की जाएगी जो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। तो यार ये वो 5 फ्रॉड थे जो आजकल लोगों के साथ काफी ज्यादा हुए हैं, और पिछले 3 सालों में इन फ्रॉड्स की गिनती बहुत ही ज्यादा है। जाने से पहले अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही ना इस घंटी को भी जरूर दबा देना।